हम लोग जो है आज की क्लास में बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन में पहले बताएंगे क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, फिर बताएंगे रेट वेलोसिटी, फिर आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, फिर रेट लॉ, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग जो है करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारी चीजें दी हुई है। इन द थर्मोडाइनमिक्स वी हैव स्टडीड वेदर आ रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट एंड इफ डज नॉट देन अप टू व्हाट एक्सटेंट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये सारी चीजें अभी जस्ट मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ जिससे आपको जो है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बने। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है मैं ये समझाता हूँ, फिर फर्स्ट पेज आपको समझाऊंगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, अच्छा केमिकल का मतलब क्या होता है, यानी कि रिएक्शन, केमिकल का मतलब क्या होगा बताइए, रिएक्शन ही तो होगा, यानी कि यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं रिएक्शन। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में आप लोगों ने काइनेटिक्स पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है, मोशन, ये तो पढ़े होंगे हम लोग। यहाँ पे रिएक्शन की मोशन यानी कि क्या बात करेंगे, रेट के बारे में बात करेंगे कि कोई भी रिएक्शन जो है वो किस स्पीड से हो रहा है और किस स्पीड से उसको नहीं हो रहा है, यानी कि बेसिकली हम उसकी रेट को मेजर करेंगे। कोगसर से क्या बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट आपको पता लगेंगे, क्योंकि आप ऐसा कोई रिएक्शन नहीं कराओगे जिसमें कि आपकी पूरी लाइफ चले जाए, यानी कि रिएक्शन होते होते हम लोग वो रिएक्शन कराएंगे जिसमें हम लोग क्या कर सके, अपने सामने फिजिबल जो है देख सके। हाँ बोलिए कशिश। सर आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है, प्रेजेंटेशन नहीं आ रही है। वन मिनट, आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। हाँ फिर से बोलिए कशिश। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी, अगर आपने हमें शो करवाई है। हाँ मेरी स्क्रीन सब दिखाई नहीं दे रही है क्या? नो सर। कशिश बेटा आप एक बार ना फिर से सभी को, बाकी सभी को विजिबल है कशिश को छोड़ के? सर मेरे को नहीं है। सर मुझे भी नहीं विजिबल है। सर मुझे भी नहीं है। ओके वन मिनट, ये कैसे हो रहा है सर? एक्चुअली सर यू हैव टू आस्क देम टू पिन योर दिस थिंग प्रेजेंटेशन एंड देन दे विल बी एबल टू सी इट। क्या अब आप लोगों को विजिबल है? यस सर। सभी को विजिबल है कि नहीं है? ओके ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, केमिकल का मतलब होता है रिएक्शन, काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। मोशन का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, रेट के बारे में बात करेंगे कि कोई भी रिएक्शन किस रेट से हो रहा है। अब आप लोगों के सामने बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, यानी कि इनकी रेट के ऊपर हम डिपेंड करेंगे। जैसे आप लोगों ने कभी हाइड्रोजन बम फोड़ोगे या पटाखा फोड़ा होगा, वो बहुत ही कम समय में जो है फूट जाता है, भागने का भी नहीं समय देता है। लेकिन आपके घर में कोरोजन होता है तो देखिएगा 2 साल 4 साल जो है यानी कि कोरोजन होते रहता है। बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं यानी कि क्या होते हैं, 1-2 घंटे में हो जाते हैं, जैसे दूध से दही बनना 3-4 घंटे के अंदर जो हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस रेट से कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो इन्हीं सारे चीजों को रेट्स के बारे में हम बात करेंगे ताकि कि हम लोग क्या कर सके, कोई भी चीज जो बनाए वो आपके अनुसार से जो है यूजफुल हो सके। अब ऐसी कोई चीज नहीं बनाएंगे जिसका रेट एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम फास्ट हो। सपोज करो कि आपने ऐसा कोई बनाया तो उसका हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे जनरली हम लोग क्या करेंगे, वो आपका इंटरमीडिएट यानी कि मॉडरेट रिएक्शन होना चाहिए। उसमें ज्यादा ना तो फास्ट होना चाहिए ना ज्यादा क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये बता देता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री
इन विच वी डील अबाउट, पहला रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग क्या बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, यानी कि विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड तीसरा जो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है, फास्ट है, स्लो है, मॉडरेट है, किस प्रकार से है, कौन कौन से इफेक्ट उसको जो है करेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट करता है या नहीं करता है, प्रेशर इफेक्ट करता है या नहीं करता है, तो ये सारी चीजें जो बात करेंगे हम किस में करेंगे, यानी कि फैक्टर कौन कौन से जो है इफेक्ट करते हैं। तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि कौन सा फास्ट जो है, कौन सा पार्ट जो फास्ट होता है, जैसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं दो स्टेप में बनते हैं या तीन स्टेप में बनते हैं, तो फर्स्ट स्टेप फास्ट हो रहा है या सेकेंड स्टेप स्लो हो रहा है या थर्ड स्टेप जो है यानी कि मॉडरेट हो रहा है, तो इनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है बात करेंगे, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है बात करेंगे। मैं आपको समझाता हूं, आज जो हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे, इसको ना शॉर्ट में आर ओ आर भी हम लिखेंगे, अब हर जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर ओ आर, ताकि कि जो पुराना लिख के जो हम लोग इसी तरीके से डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं ना बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दोज रिएक्शन विच अकर वेरी लेस टाइम या माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में जो रिएक्शन होते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं, दोज रिएक्शन विच आर अकर वेरी लेस टाइम इज नोन एज वेरी फास्ट रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल सुन लीजिए आप लोग, आप लोगों ने पटाखा फोड़ा है, बोलिए Yes, sir. वो क्या ज्यादा समय लगता है, जैसे देखिएगा आग लगाते तो कितने तेजी से भागते हैं, ठीक है, yes, sir. तो यानी कि वो क्या हो जाता है, बॉम हो गया, या जितने भी एक्सप्लोसिव जो है एक्सप्लोसिव थिंग जो भी होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, ये होते हैं। अब मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन दिखाता हूँ कि हमने क्या करा, NaCl लिया और इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है, और जैसे ही रिएक्ट कराया यहां से कितना बन जाता है हमारे पास, यहां पे जो बन जाएगा AgCl और साथ में क्या बन जाएगा NaNO3 बन जाएगा, पता है ये कितना कम समय लगता है, 10^-6 सेकंड लगता है, सोचो कि इतना सेकंड हम लोग मान लो कि अभी जैसे सपोज करो एक सेकंड होता तो इतना जो है आपको पता भी लगता है, लेकिन ये कितना कम है, 10^-6 सेकेंड है, यानी कि बहुत ही कम टाइम लगता है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, फास्ट रिएक्शन का हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाते, तो इस बात को याद रखिएगा, वी कैन नॉट डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन, आपसे पूछा जाएगा
कि वेरी फास्ट रिएक्शन का हम लोग रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा? नो, नहीं कर सकते, ठीक है? नो, ये जो है नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना कम सेकंड होता है कि हम उसके बारे में एनालाइज ही नहीं कर पाते, जिस कारण से ये जो रिएक्शन हो जाता है वो काफी कम समय में होता है, इसलिए हम लोग जो है इसको क्या कर पाते हैं, जो है मेजर नहीं कर पाते हैं। सेकंड, आपके पास जो है दूसरा टाइप का रिएक्शन होता है, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है? यानी कि कैसा होता है? वेरी स्लो रिएक्शन। ये वेरी स्लो का मतलब क्या होता है? दोज रिएक्शन विच आर अकर वेरी हाई टाइम, इज नोन एज वेरी स्लो रिएक्शन। ये सिंपली कह सकते हैं, दोज रिएक्शन विच टेकन मोर टाइम, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन, यानी कि जिसके अंदर जो टाइम ज्यादा लगे। कोई एग्जाम्पल बता सकता है? बताइए। बहुत सारे, रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ बोलिए, एक बच्ची रेज की है, क्या पूछना? बताइए, किन्हीं को कुछ डाउट था? सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट तो मेरे ख्याल से 5-6 घंटे में हो जाता है, तो मॉडरेट होगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन कह सकते हो, यानी कि जो आप लोग जो कोई चीज तोड़ते हो, जैसे खाद उद जो बनाते हैं। हाँ बोलिए। आप कुछ पूछना चाह रहे थे तो बताइए, आपका नाम नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिनका रेज हैंड है तो आप बता दीजिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं या नहीं पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, चलिए। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, देखिएगा 2-3 दिन जो है यानी कि लगता है, ओके। यानी कि क्या हो जाएगा? दोज रिएक्शन जो क्या होगा कि बहुत ज्यादा समय में होता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो है वेरी स्लो रिएक्शन होता है। वी कैन नॉट, क्योंकि इतना स्लो होता है कि हम लोग जो है इसका डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन माइन द रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन को जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिया चंदेल कुछ पूछना चाह रहे हैं? अगर जो कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपना हैंड को डाउन कर दीजिए, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपके सामने क्या है कि मॉडरेट रिएक्शन। हम जब भी बात करते हैं पूरी केमिस्ट्री में, हम लोग मॉडरेट रिएक्शन की ही बात करेंगे। हम लोग कभी भी ना तो वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करते हैं, ना ही हम लोग कभी भी स्लो रिएक्शन की बात करते हैं। हम जब भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? यानी कि मॉडरेट रिएक्शन की बात करेंगे। हम चाहे रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालें, ये सभी के सभी हम लोग किस रिएक्शन का निकालते हैं? तो मॉडरेट रिएक्शन का निकालते हैं। क्योंकि खुद सोचिए ना कि हमारे पास जो है वो हम लोग किसी भी रिएक्शन का नहीं निकाल सकते, क्योंकि वेरी फास्ट रिएक्शन का मैंने बताया कि आपको एक एग्जाम्पल दिया कि 10^-6 सेकंड लगते हैं, यानी कि देखते देखते ही सारी चीजें रिएक्शन हो गए। अब एक रिएक्शन नहीं पता लगा कि हमने जो है, मान लो कि सपोज करो कि आप लोगों ने कार्बन से जो है कोयला बना रहे हैं, या पेड़ पौधे से कोयला बना रहे हैं, उसका जो है 10 साल 15 साल 200 साल 300 साल लग जाते हैं। अब उस टाइप के रिएक्शन का हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते। हम लोग उस टाइप के रिएक्शन का मेजर करेंगे जो मॉडरेट टाइम लगता है, यानी कि 1 दिन या उससे 1 घंटे या हाफ आवर, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं? यानी कि एनालाइज कर सकते हैं। तो जितने भी केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जब बात करेंगे, वो सारे के सारे किस टाइप के रिएक्शन की बात करेंगे?
मॉडरेट रिएक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है? दोज रिएक्शन विच आर अकर्ड एट मॉडरेट, यानी कि जो भी मॉडरेट पे होगा उस सारे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि मॉडरेट रिएक्शन कहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और मेरे को जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे पास मान लो ए प्लस बी प्लस, यहां से मैंने जो है सी कर दिया, 2B, 3B and 4B कर दिया। अब मुझे याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से चीजें जो है शुरू हो रही है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की। अगर आपसे रेट आर ओ आर निकालने कहा जाए, ठीक है, हम लोग जब भी निकालेंगे किसकी निकालेंगे, मॉडरेट रिएक्शन की निकालेंगे। मेरे पास ये कोई रिएक्शन है, आगे रिएक्शन भी लेंगे लेकिन अभी आपको समझाने के लिए जो है यहाँ पे ले रहा हूं। आर ओ आर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि जिसका कंसंट्रेशन लेना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन ए और यहाँ पे डिवाइडेड बाय जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे डेल्टी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म होता है, ठीक है? ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। और ये क्या है, चेंज इन टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन कह दो या चेंज इन टाइम कह दो। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास ये क्या है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, बोलिए, ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? ठीक है, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ओके, अच्छा मुझे बताइए समय के साथ ये घटेगा या बढ़ेगा जब रिएक्शन हो रही है, तो समय के साथ ये घटेगा। अगर जब आपने 10 ग्राम लिया होगा ये, तो कुछ समय के बाद ये यानी कि कितना हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा, फिर 6 ग्राम हो जाएगा, फिर 4 ग्राम हो जाएगा, फिर 3 ग्राम हो जाएगा, फिर जो है फाइनली अगर जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 ग्राम हो जाएगा। यानी कि समय के साथ ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हट रहा है। अगर जो रिएक्टेंट वाला टर्म होगा तो उसके साथ हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, माइनस हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसका मतलब है कि समय के साथ ये क्या हो रहा होगा, यानी कि जो है घट रहा होगा। मैं चाहता हूं कि पूरे का, मैंने तो ये सिर्फ एक लिए निकाला रेट ऑफ रिएक्शन, मैं चाहता हूं कि पूरे रिएक्शन का निकाल लूं। तो मैं यहां पे कैसे लिखूंगा, आर ओ आर इक्वल टू माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय 2 डेल टी इक्वल टू 1/3 डेल ए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डेल टी, सॉरी बी है और ये 3 है, ओके okay? यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे माइनस होगा या नहीं होगा बताइए सर, होगा। वेरी गुड, यानी कि रिएक्टेंट, यानी कि ये भी तो घट रहा होगा, ये भी तो रिएक्टेंट है, इक्वल टू, यस सर। अब यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 1/4 और डेल सी डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस प्लस, क्योंकि प्लस क्या हो हो रहा है, पढ़ोगे तो वहां पे जो है, अभी हम रियल एग्जांपल भी लेंगे, लेकिन मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, कुछ इस प्रकार से जो है लिखा जाता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स को मैंने जो है रिएक्शन करा दिया वाई से, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मैंने कर दिया जेड प्लस ए, ठीक है। मैंने यहाँ ले लिया 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे PQRS भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे मैंने कितना ले लिया, 5A, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या है, रेट ऑफ, सॉरी ये क्या है, रिएक्टेंट है, यस सर, यानी कि रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा, घटेगा, ठीक है। और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अगर आपसे मैं कहूं क्या आप लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, तो क्या आप लोग लिख पाएंगे, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं जो है बताता हूं फटाफट से। बहुत ही आसान सा है, बस ध्यान रखिएगा
कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको नीचे में लेके आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे ये याद रखिएगा, इसका मतलब होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाओगे, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं अगर यहाँ पे कैसे लिखूंगा बताइए, माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो जाता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है कितना कंसेंट्रेशन को चेंज होने में, इक्वल टू। अच्छा, वहां पे ना डेल एक्स बाय टू टी लिखा रहे तो माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसको ऐसा भी मैं लिख सकता था, टू डेल एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल टी, सॉरी ऊपर नहीं नीचे होगा ये, यानी कि इस तरह से भी लिखा रहेगा तो आप ये नहीं समझेगा यानी कि क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ही है, ठीक है? खैर, आप इतना तो समझ जाओगे, कॉमन सेंस है। अब यहाँ पे माइनस वन बाई थ्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा डेल टी, ओके? और यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है यानी कि जेड है, तो यानी कि फोर डेल जेड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डेल टी, ओके? प्लस यहाँ प्लस लिखे हैं क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है किस में लेते हैं, रिएक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो है हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा वन बाय फाइव डेल ए डिवाइडेड बाय यानी कि कितना हो जाएगा डेल टी। एक और याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल एक्स, एक को समझाने के लिए, डेल एक्स का मतलब है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स, ठीक है? यानी कि कितना कंसंट्रेशन एक्स का चेंज हुआ, इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं डेल एक्स। एक बार मैं यूनिट पूछ देगा, आर ओ आर का यूनिट पूछ देगा, तो आप लोग क्या निकालेंगे बताइए, यानी कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो है इसका क्या यूनिट होगा बताइए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा इसका यूनिट बताइए? अब आपके सामने क्या है कि मैंने जो लिखा आर ओ आर इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, मैंने कहा ये कंसंट्रेशन है। अब आपके मन में दुविधा आ गया होगा कि सर कौन सा कंसंट्रेशन ले, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, तो यहां पे जो कंसंट्रेशन टर्म यूज करोगे वो कौन सा करोगे, मोलारिटी, हाँ वेरी गुड, ठीक है? यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे मोलारिटी वाला जो है कंसंट्रेशन यूज करना। अच्छा, मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है कोई बताना चाहेंगे क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ किसका लेना है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन। और किस में लेना, लीटर में लेना है या एमएल में लेना है, लीटर में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अब मोलारिटी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स लिख सकता हूँ, इस नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का मतलब तो मोल ही हो गया, वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं यानी कि लीटर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर, और नीचे में टेम्परेचर यानी जो है टाइम है, तो यानी कि इसको क्या ले लेता हूं सेकंड्स, तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल, इसको मैं लीटर को जगह पे क्या कर सकता हूँ यानी कि लीटर और सेकंड हो जाएगा, या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है? तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। आप इस यूनिट को याद रखिएगा क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बोलिए, यहाँ तक लगने को कोई दिक्कत है बताइए? मैं आपके सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिएगा, फिर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करूंगा, फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की मैं बात करूंगा। मैंने आपको दिया कि एन टू को मैंने एच टू के साथ रिएक्शन कराया और मैंने क्या बनाया, अमोनिया बनाया, ठीक है? मैंने यहाँ पे जो है इसको रिएक्शन कराया और उसको हमने क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया।
एन टू प्लस एच टू बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे 2-6 और यहाँ पे क्या अब आप लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, और जो लिखेंगे तो मेरे को बताएंगे प्लीज, डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि कॉपी पे ही लिखना है। बोलिए, बना लिए? माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। ओके, अंशिका और क्या होगा, 1/3 और डेल्टा एच टू ओवर डेल्टा टी, यानी कि अच्छा ये बताइए मैंने गलती कहाँ लिखा है, कोई मुझे बताना चाहेंगे? मैंने एक वेरी गुड, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस छोड़ दिया है हमने जो है, क्या यहाँ भी माइनस लिखूं? प्रोडक्ट no, no, no. में कभी भी माइनस का यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, रिएक्टेंट जो है वो घटा है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या किया है, माइनस का यूज किया है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हो। मैं साथ में ही पहले बता देता हूँ कि रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखा जाता है, एक और आप लोग होमवर्क भी बना लीजिएगा आपके पास, मान लो सपोज करो मैं एक सिंपल सा दे देता हूँ, H2O का दे देता हूँ, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O बनाइएगा। जब भी आप बनाइएगा ना, सबसे पहले इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे बनाइएगा तो गलत आ जाएगा, यानी कि जो है बिल्कुल सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो ऑक्सीजन को 2 यहाँ से और 2 यहाँ से बैलेंस कीजिएगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन लिखिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलिए अब हम जो है बात करते हैं कि कैसे रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करते हैं। हम लोग जो है सेकंड टाइप की बात करते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, यानी कि हम किसकी बात करना चाह रहे हैं? अपीयरेंस का मतलब होता है, हाँ कोई बताना चाहेंगे? प्रोडक्ट। वेरी गुड, यानी कि प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। अपीयरेंस का मतलब होता है जो बन रहा है, तो कौन सा चीज हो रहा होगा, यानी कि जैसे आप मान लो अपीयरेंस का मतलब है कि हम कोई भी चीज मिला रहे हैं, यानी कि ये चीजें जो है बन रही है, तो जनरली हम बात करेंगे प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ROA लिखते हैं, रोआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा, अब मान लो मेरे पास, फिर से मैं वैसे पुराना एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने क्या करा, ए बी को रिएक्शन कराया और सी बनाया 2B3 और यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, ठीक है। मेरे को अगर जो रेट ऑफ अपीयरेंस लिखने कहा जाए तो मैं किसका लिखूंगा बताइए? सर प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का लिखेंगे, ठीक है। इस बार हम लोग जो लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, प्रोडक्ट का लिखेंगे। तो प्रोडक्ट का जो लिखोगे यानी कि क्या हो जाएगा बताइए, क्या मैं इसको, मैं पहला बता देता हूँ, यहाँ पे डेल सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल टी, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा डेल सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल टी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या माइनस लेंगे क्या यहाँ? नो सर, रेट ऑफ डिफरेंस में और रेट ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में माइनस का यूज नहीं करते, खुद ही वो बता रहा है कि अपीयरेंस यानी कि प्रोडक्ट बन रहा है, डिसअपीयरेंस मतलब घट रहा है, यानी कि वो वर्ड ही आपको एक्सप्लेन कर दे रहा है, इसीलिए कभी भी इसका यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए जो है यहाँ पे मोड डाल देता हूँ, यानी कि मोड का मतलब आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि कोई भी वैल्यू हो तो हमेशा कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब कहोगे सर क्या 4 नहीं यूज करेंगे? नहीं, इसमें हम लोग जो है 4 यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो है आगे आपको पता लगेगा, क्योंकि ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है जो कंसंट्रेशन इसी वाले टर्म पे डिपेंड करता है। इसमें मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, पी प्लस क्यू इक्वल टू R और S को हमने रिएक्ट कराया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2, 3, 4 and 5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर जब मुझसे पूछा जाए रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस R, तो मैं क्या लिखूंगा बताइए, ऑफ R है, बताइए क्या लिखेंगे?
डेल आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेलिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मोड लगा देंगे, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस को हम लोग लिखेंगे यानी कि आर का। सिमिलरली अगर जब मुझसे पूछा जाए कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एस यानी कि आर ओ ए ऑफ, अगर जब मुझसे पूछा जाए, मैंने यहाँ पे एस लिया है तो एस ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि मोड डेल आपके पास क्या है एस, यानी कि डेल एस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेल्टी, और ये जो है इसके पास हो जाएगा। क्या रेट ऑफ अपीयरेंस आपको समझ में आया, बोलिए। यस ठीक है। हमने पहला जो पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किया, दूसरा हमने जो बात किया रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में बात किया, हम तीसरा बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की हम लोग जो है बात करते हैं। अब देखो यानी कि जैसे मान लो कि मैं फिर से वही क्वेश्चन लेता हूं, मैंने क्या करा ए प्लस बी प्लस सी का रिएक्शन कराया, और यहां पे हमने क्या बना लिया इस प्रकार से। अब जो डिसअपीयरेंस होगा ना वो कौन सा होता है, यहाँ पे आप लोग इसको आर ओ डी भी कहोगे शॉर्ट में, ठीक है। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ओके। यानी कि जो भी डिपेंड करेगा वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप लोग आर ओ डी जो लिखोगे तो दो चीजें का बनेगा, यानी कि किसका किसका बन जाएगा, अगर मैं ए का लिखने के लिए कहा जाएगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे इसको क्या ले लेना मोड में ले लेना। यानी कि कभी भी यहाँ पे मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया, ये खुद ही वर्ड बता दे रहा है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, किसका अपीयरेंस हो रहा है किसका जो है डिफरेंस हो रहा है। उसी प्रकार से आप चाहो तो यहाँ पे इसका भी लिख सकते हो डेल बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल टी, और यहाँ पे आप क्या ले लोगे मोड ले लोगे, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है अपने स्लाइड पे पढ़ते हैं, देखिए आपको जो जो चीजें मैंने बताई थी वो सारी चीजें लिखी हुई है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद द टाइम ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कि जो भी स्पीसीज यानी कि समय के साथ जो चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, यानी कि डेल सी टी डेल सी डिवाइडेड बाय टी। डेल सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। इन्होंने जनरल वर्ड का यूज किया है, हमने जो है किसी पर्टिकुलर निकाल के आपको दिखाया ए के लिए या बी के लिए, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो यानी कि कंसंट्रेशन का यूज कर सकते हो। फिर आपको मैंने बताया कि इसका जो यूनिट होता है यानी कि एस आई यूनिट जो होता है वो आप लोगों को मैंने निकाल के भी दिखाया, वो क्या हो जाता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि इस प्रकार से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ये पावर है, यहाँ पे इसका मतलब एल माइनस वन है, यानी कि जो है ये इस पे पावर है, यहाँ पे इस पे पावर है, ठीक है। या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं मोल डेसीमीटर क्यूब, यानी कि जो है टाइम, क्योंकि लीटर को जो है आप लोगों को पता होगा कि एक लीटर में वन डेसीमीटर क्यूब करीब करीब होता है, तो इसी चीज को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, और टाइम इनवर्स हो जाएगा। रेट इज ऑलवेज एंड इन सच मैनर सो दैट इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि हम लोग रेट अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को जब भी बात करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो क्या हो सकता है हमेशा जो है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इन्होंने क्या करा कि एक रिएक्शन लिया और इस प्रकार से उन्होंने जो है लिख के दिखाया। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये डेल सी का मतलब क्या होता है, आपको भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि जब हमारे पास इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास बहुत ही कम समय होगा, मैं जस्ट आगे बताऊंगा जब आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी सी चीजें समझाऊंगा तो फिर मैं आपको इंस्टेंटेनियस रेट की बताऊंगा और उसके ग्राफ के बारे में भी बताऊंगा क्योंकि वो काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जस्ट पहले मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ ताकि कि आपका रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे जो है ज्यादा कमांड हो जाए, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो है N2 के लिए लिया, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस डी बाय N2,
यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे वन हो जाएगा, और यहाँ पे एच टू है तो यानी कि कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे अमोनिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है निकाल सकते हैं। मैंने जस्ट आप लोगों को ये बताया, इन्होंने देखो एक लिख के भी दिखाया, इसी प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक कर दिया है, तो थ्री मैंने लिख दिया है, आप लोग जो है इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो दिस रेट आर नॉट ऑल इक्वल, ये जो है ना सभी के सभी इक्वल नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आपको ये अभी जो है क्वेश्चन के माध्यम से जो है पता लगेगा। देयरफॉर कन्वेंशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, आपको भले यहां पे लग रहा होगा कि तीनों का है, लेकिन नहीं, तीनों का रेट ऑफ जो है सेम नहीं होगा, वो अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फैक्टर जो है अलग अलग डिपेंड कर रहा है। अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन टू है तो ये टू हो जाएगा, लेकिन ये एच टू बाई डी टी कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि जो है फोर हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू इज डिपेंड ऑन द स्टिच्योमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि ये जो आगे आपके जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एन टू प्लस थ्री एच टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच टू, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास थ्री। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं बैलेंस कर देता हूँ पहले, एन टू टू फोर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू फोर हो जाएगा। ठीक है, यानी किस प्रकार से बैलेंस नहीं हुआ ना, यहाँ पे एन टू प्लस एच टू इक्वल टू एन एच थ्री। ठीक है, यहाँ पे टू है तो टू हो जाएगा, यहाँ पे थ्री है तो थ्री हो जाएगा। ओके, अब बैलेंस हो गया। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू इज डिपेंड ऑन द स्टिच्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टिच्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब होता है यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन के आगे कितना है, कुछ नहीं है तो वन होता है, और यहाँ पे कितना है, थ्री है, और यहाँ पे कितना है, यानी कि टू है। ये जो डिजिट वाली वैल्यू होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिच्योमेट्रिक कहते हैं। रेट ऑफ एनी स्पीसीज विल फिक्स वैल्यू अंडर द गिवन कंडीशन, ये चेंज नहीं होगा। अगर ये एक मोल होगा तो ये थ्री मोल होगा, और ये कितना मोल बनेगा, यानी कि टू मोल जो है इनका आवाज इतना ज्यादा ये हो गया है। ठीक है, ओके, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि वन मोल अगर जो नाइट्रोजन की लोगे और थ्री मोल अगर जो हाइड्रोजन लोगे तो अमोनिया कितना बन जाएगा, टू मोल जो है यानी कि जो है बन जाएगा। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? नो सर, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी तक। ठीक है, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ आर एट डिफरेंट टाइम इज गिवन बिलो कैलकुलेटेड द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि हम लोग क्या करेंगे जब भी हाँ बोलिए चावी शर्मा सर, जो आपने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस करवाया उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं लगेंगे साथ में? किसमें सर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में? हाँ अच्छा, आप कह रहे हो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में आपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्यों नहीं लिया? ओके, देखो ये जो है ना रेट ऑफ जो अपीयरेंस है डिसअपीयरेंस है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर वो डिपेंड नहीं करता है तो यानी कि वो हम लोग जो है उसका यूज नहीं करते हैं। आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलरली हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेट जो होगा किसी भी अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस का वो हमेशा जो है सेम होता है, तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं वहां पे अपीयरेंस नहीं करते हैं। हाँ, अभी आपको मैं एक क्वेश्चन की मदद से उस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा तो ज्यादा समझ में आपको आएगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि इसके एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। और किनका कोई डाउट है तो बताइए, और किन्हीं ने कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ ज्योति बोलिए। सर, इसके साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें डी क्यों लगा है साथ में? अच्छा, यहाँ पे डी क्यों लगा है, ये इंस्टेंटेनियस है, आपको मैंने बताया था कि जब आप एवरेज निकालोगे तो डेल लगाना, इंस्टेंटेनियस लगाओगे तो हम लोग क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। ओके, अभी जस्ट मैं आपको इंस्टेंटेनियस के ही बारे में बताऊंगा, मैंने पहले सोचा कि आपको रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस समझाऊं, फिर हम लोग देखें कि आपको मैं ग्राफ बताऊंगा जिससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं शॉर्ट में नहीं बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक अलग से उसमें जो है बताऊंगा पूरी सारी चीजों के बारे में। और किन्हीं को कोई डाउट है बताइए, किन्हीं को और कोई डाउट है बताइए। ठीक है, ओके, अब देखो जैसे आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस, आर ओ का मतलब आपको मैंने बताया था रेट ऑफ अपीयरेंस, आर ओ डी का मतलब है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस।
मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार फटाफट से ट्राई करें और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर जो हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। लिख लिए, बहुत ही आसान है। कशिश आपका आवाज थोड़ा सा बड़ा मतलब बहुत भारी आ रहा है, क्या दिक्कत है? आप ही कहना कशिश। यस सर, पता नहीं कैसे है। नहीं अभी तो ठीक आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ईयरफोन लगाया ना तो बहुत तेज आवाज आता है, इसीलिए मैं बोल रहा था। चलिए मैं लिख देता हूं आर ओ आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कैसे लिखेंगे बताइए, आर ओ आर के लिए कोई बताना चाहेंगे? सर माइनस वन अपॉन ओके। हम यहाँ पे जनरली जो भी बात कर रहे हैं याद रखिएगा एवरेज के लिए हम बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें खाली डी आ जाता है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे डेल और यानी कि एन एच थ्री डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इक्वल टू बताइए माइनस वन बाय फाइव ओके, और यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा प्लस वन बाय फोर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एन ओ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेल टी इक्वल टू वन बाय सिक्स और डेल एच टू ओ डिवाइडेड बाय डेल टी। ये तो क्या हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस, आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस सिर्फ एनओ का पूछा है, सिर्फ आप एनओ का लिखिएगा, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल टू क्या बताया था बताइए, यानी कि चेंज ऑफ एनओ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए डेल्टा टी, और इसको जो हम लोग क्या किसमें रख देंगे मोड में, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा जो है पॉजिटिव होगी। उसी तरीके से आर ओ डी की जो वैल्यू हो जाएगी यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी मोड कंसंट्रेशन डेल चेंज ऑफ ओ टू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा डेल टी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ओके। किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए? नो सर ओके। अब यहाँ पे देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एन टू प्लस थ्री एच टू टू एन एच टू ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया टू मोल यहाँ पे दो बार लिख दिए हैं ऑफ एन टू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डिसअपीयर इन वन मिनट, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप प्रयास करना। हाँ नव्य बोलिए कौशिक। नो सर मेरे को स्क्रीन नहीं शो हो रही थी, अब होगी ओके ठीक है। यहाँ पे एन टू प्लस थ्री एच टू और यहां से क्या बना देंगे टू एन एच थ्री, अगर आपके पास रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो पहले रिएक्शन बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। अब आपको क्या कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो आप खुद सोचो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका होगा रिएक्टेंट का, मैं यहां पे वैसे भी लिख देता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। अच्छा यानी कि कितना हो रहा है कि वन मिनट में हो रहा है, क्योंकि जो चीज आपको पता है सबसे पहले हम लोग उसी को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनएच थ्री निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है सर वैल्यू पूछा है ना कि जो है सिंपल चीजें पूछा है। हम सबसे पहले जो चीज दे या हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम नाइट्रोजन का निकालते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा एन टू डिवाइडेड बाई डेल टी हो जाएगा। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए? अब आपके सामने क्या है कि एन टू की वैल्यू आपको मैंने कहा था कंसंट्रेशन जो लेना है वो क्या लेना है मोलारिटी लेना है आरआईटी वाला, ठीक है, यानी कि मोलारिटी। अब मोलारिटी जो होता है वो क्या हो जाता है मोल्स, आपको मोल्स दिया हुआ है कितना दिया हुआ है टू मोल्स दिया हुआ है, ठीक है, मैं मोल्स लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है टू लीटर दिया हुआ है। बोलिए टाइम कितना दिया हुआ है, यानी कि आपको मैंने कहा था टाइम जो लेना किस में लेना सेकंड में, तो वन मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है वो कितना हो गया यानी कि 1/60 हो गया। बोलिए इतनी सी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. अब यहां पे ध्यान से सुनिए, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है
आपके पास यहाँ पे देखिए, मैं यहां से लिख सकता हूं चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन टू डिवाइडेड बाय डेल टी। बोलिए सिमिलरली आप आगे भी लिख सकते हो, यानी कि आपको एच टू यानी कि जो है माइनस वन बाय थ्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच टू डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हो वन बाय टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज ऑफ एनएच थ्री डिवाइडेड बाय डेल टी। बोलिए क्या यहाँ तक समझ में आ गई? डेल एन टू बाय डेल टी की वैल्यू आपके पास पता है, कितनी वैल्यू है 1/60, यानी कि डेल एन टू बाय डेल टी की वैल्यू आपको पता है। मैं यहां से आर ओ आर की वैल्यू मैं डायरेक्ट में इसलिए लिखा ताकि कि आपको ज्यादा समझ में आए, नहीं तो मैं तो एक ही बार में कर लेता। यहां पे डेल एन टू डिवाइडेड बाय डेल टी। बोलिए अच्छा, मैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे मैं ऐसा भी तो लिख सकता था आर ओ डी इक्वल टू मोड ऑफ डेल एन टू डिवाइडेड बाय डेल टी। तो मैंने कहा कि भाई इसी डेल एन टी बाय डेल टी की वैल्यू कितनी है 1/60। क्या इतनी सी बात समझ में आई बताइए? मैं डेल टी की वैल्यू रख सकता हूँ 1/60, yes, sir. और ये माइनस में है तो यानी कि कितना हो गया? अब देखो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया तो क्या मैं रेट ऑफ जो है यहाँ से जो है सब चीज निकाल सकता हूँ? मैं एक स्टेप यहाँ पे और लिख देता हूँ। मेरे पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है NH3 और कितना है 2 है। ओके ठीक है। अब देखो आपने दो चीजें निकाल ली, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या निकाले हैं N2, ठीक है तो हमने जो है N2 निकाला और उसकी वैल्यू कितनी है 1/60। सेकंड में हमने क्या निकाला रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? रेट ऑफ रिएक्शन हम किसके लिए निकाले हैं ये भी लिख देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने निकाला वो डेल N2 के लिए ही निकाला है और इसकी वैल्यू कितनी आई -1/60 आ गई। अब हमसे कहता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है तो H2 के लिए आपको मैंने बताया था डेल H2 डिवाइडेड बाय डेल T और कंसंट्रेशन और यहां पे मोड। अच्छा यहां पे आपको मैंने थोड़ी देर पहले रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा था वो क्या लिखा था बताइए? वन यानी कि माइनस डेल एन टू डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल टू -1/3 डेल एच टू डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल टू 1/2 डेल एन एच थ्री डिवाइडेड बाय डेल टी। अच्छा यहां से मेरे को क्या करना है? हाइड्रोजन का निकालना है, यानी कि आर ओ आर मैं सीधे सीधे ऐसा लिख दूं -1/3 डेल्टा एच टू डिवाइडेड बाय डेल टी। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाला हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन तो सभी के लिए सेम होता है यानी कि जो भी है यहाँ पे सबके लिए सेम होगा। मैं रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे -1/60 लिख दूं? ने भले नाइट्रोजन के लिए निकाला क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास आर ओ आर इक्वल टू क्या होता है सबके लिए सेम होता है। मैंने अगर जो नाइट्रोजन के लिए निकाला तो यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पे वो आर ओ आर की वैल्यू भी तो बराबर होगी। मैंने यहाँ पे आर ओ आर की जगह पे क्या रख दिया -1/3 आ गया, तो डेल्टा एच टू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेल्टा टी और यहां से ऊपर जाएगा तो यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा डेल्टा एच टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/20। बोलिए तो यहां से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी कि आपने क्या निकाल लिया रेट ऑफ में जो है डिसअपीयरेंस निकालना था तो हमने जो है यहाँ पे आर ओ डी निकाल लिया। बोलिए ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नो सर। हाँ दिया चंदेल बोलिए। नो सर। ओके ठीक है। अब यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है। ठीक है
रेट ऑफ अपेरेंस पूछा है किसके लिए, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ अमोनिया। रेट ऑफ अपेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि चेंज ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल टी। ठीक है, अब आपको पता है कि रेट ऑफ अपेरेंस यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पता है मेरे को, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ऑफ अमोनिया, यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन में लिखूंगा आर ओ आर ऑफ अमोनिया, आपको पता है क्या फॉर्मूला हो जाता है, जस्ट हम यहां से चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया के लिए निकालना है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2 चेंज ऑफ एन एच थ्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। बोलिए, लिख सकते हैं? यस सर। ये रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है आपको पता है कितनी है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो है 1/60। यस सर। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 1/60, और यहां से हम लोग क्या लिखाएंगे, 1/2 डेल एन एच थ्री डिवाइडेड बाय डेल टी, और यहां पे इसको लेके जाएंगे डेल एन एच थ्री डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल टू 1/30, और यही तो वैल्यू आपको निकालनी थी यहां पे, तो यहां पे सीधे सीधे लिख दो 1/ यानी कि कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है कि ये सारी चीजें जो है देखना, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए बहुत सारे मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं आप प्रीवियस ईयर के कैसे निकालेंगे, तो आपको जब कल की क्लास होगी या जब भी नेक्स्ट क्लास होती है तो हम लोग इन सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो भी हैं इन सबको जो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक बार आप लोग ट्राई जरूर करके आना कि मेरे पास जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं वो आपसे बन जाएंगे सारे चीजें, वही चीजें देखो, रेट ऑफ अपेरेंस और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ये सारी चीजें वही पूछी गई है। ठीक है, तो आप जितने भी देखोगे तो यानी कि सारे में जो है रेट ऑफ अपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ये सारी चीजें जो है पूछी गई, एक बार ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं रिवीजन भी करा दूंगा और ये सारी चीजें भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके।